कैसे होंगे। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो देखना मत भूलिएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कारगर साबित तो होगा। प्यारे बच्चों, 7.1 प्रश्नावली का थ्योरी हो गया है, आज हम 7.2 प्रश्नावली का थ्योरी बताएंगे आपको, फिर 7.3 का थ्योरी बताएंगे और उसके बाद आपको उदाहरण बताएंगे कैसे बनना है। टाइम कम है, इसीलिए सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को देखें, आपके एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट फायदा मिलेगा। हम यदि मेहनत करते हैं आपके लिए तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि मेहनत करें और देखें इन वीडियो को, ठीक है। विभाजन सूत्र दिखा दिया ना, उन्हें से दिखा दिया ना सबको। विभाजन सूत्र का मतलब होता है बांटना। जैसे कि हम लोग पैसा रहता है, पिताजी के पास 2 लाख रुपया है, तीन भाई हैं तो 2 लाख में 3 से भाग दे जितना हो गया, लेकिन हम पॉइंट को विभाजन करते हैं। विभाजन सूत्र दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अंतः विभाजन और एक होते हैं वाय विभाजन। एक होते अंतः विभाजन और एक होते हैं वाय विभाजन। लाइक कौन करता हूँ, एक होते अंतः विभाजन, एक होते हैं वाय विभाजन। एक होते अंतः विभाजन, एक होते हैं वाय विभाजन। विभाजन सूत्र दो तरह के होते हैं। जैसे कि देखिए, अंतः विभाजन में ये दो पॉइंट रहेगा ए और बी, यहाँ का कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2 और ये y2 है। ये चीज़ क्लास 10वीं में पढ़ना है, क्लास 10th में पढ़ना है और ये क्लास 11वीं में पढ़ना है, क्लास 11वीं में पढ़ना है, ये क्लास 10वीं में पढ़ना है। अंतः विभाजन, अगर कोई लाइन इसको काट देता है, मान लीजिए सी पॉइंट पर, और यहाँ जो सी पॉइंट पर कटान बना, यहाँ पर पूछता है एक्स वाई क्या होगा, इसको m1 × m2 अनुपात में विभाजित कर दिया, m1 × m2 अनुपात में विभाजित कर दिया, रुक गया बेटू। इसको आगे क्लास में जाइएगा, इसी बात को m अनुपात n, इसी का दूसरा नाम है m अनुपात n। यहाँ x बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए m1 x2 plus m2 x1 m1 x2 तो m2 x1 m2 x1 बटे m1 plus m2। y बराबर होता है वही बात m1 y2 m1 y2 plus m2 m2 y1 बटे m1 plus m2। यही है अंतः विभाजन फार्मूला। अंतः विभाजन फार्मूला, ए पॉइंट है, बी पॉइंट रहेगा, ये m अनुपात n में दिया रहेगा, यहाँ पर x y खोजना है, यहाँ के x बराबर फार्मूला होता है, x बराबर m1 x2 plus m2 x1 बटे m1 plus m2। y बराबर होता है m1 y2 plus m2 y1 बटे m1 plus m2। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए होंगे, चल देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। देखिए ट्रिक क्या है, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। ये देखिए, ये इधर का मोहल्ला का बच्चा है ये, और ये टीचर है, ये इधर मोहल्ला का बच्चा है, ये टीचर है। ये टीचर कहता है हम अपना गांव के बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे, हम दूसरे गांव के बच्चा को पढ़ाएंगे, तो m1 x2 plus। ये मास्टरवा कहता है, मास्टरवा कि हम तोरा सबको नहीं पढ़ेबो, हम एक पढ़ेबे m2 x1 अब
टीचर सब एक ही होता है, बच्चों मरते हैं। बट्टे M1 प्लस M2 y बराबर M1 y 2 प्लस वही बात, ठीक है। और बाय विभाजन में सिर्फ प्यारे बच्चों चिन्ह का चेंजिंग कर देना। देखिए बाय विभाजन क्या होता है, एक मिनट समझ लीजिए। बाय विभाजन देखिए, ए है, ए बी है, यहाँ X1, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है, और डॉट डॉट इसी तरह आगे बढ़ा जाएगा। यहाँ कोई पॉइंट सी होगा, यहाँ पर XY पूछा जाता है। यह अंत बाह्य विभाजन है। बाह्य मतलब क्या होता है, बाहर की ओर विभाजन करने वाली। तो इसके लिए फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, X बराबर M1 X2 माइनस M2 X1 बटे M1 माइनस M2, और Y बराबर होता है M1 Y2 माइनस M2 Y1 बटे M1 माइनस M2। बस याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है बाय विभाजन के लिए। किसके लिए होता है, बाय विभाजन के लिए। अंतर विभाजन में पढ़ना है 10वीं में, और बाय विभाजन में पढ़ना है 11वीं में। X बराबर होता है M1 X2 माइनस M2 X1 बटे M1 माइनस M2, और Y बराबर होता है M1 Y2 माइनस M2 Y1 बटे M1 माइनस M2। बस एक ही कॉन्सेप्ट, अंतः विभाजन मतलब अंदर में, अंदर के लिए प्लस, बाहर, बाहर मतलब बाहर, बाहर के लिए माइनस। इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, कोई डाउट हो तो बोलेगा, इसी पे फॉर्मूला बनेगा। नोट कर लिए होंगे उम्मीद करें, उसको मिटा दें। मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या है समझते हैं। मध्य बिंदु का मतलब होता है कोई भी रेखा को ठीक बीच में काटना। मध्य बिंदु के लिए क्या निर्देशन, देखिए मध्य बिंदु का मतलब समझ लीजिए। एक मिनट में मेरे प्यारे बच्चों, X1 कोमा Y1 X2 कोमा Y2, ठीक है, इसको मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या, ठीक बीच में, यानी कि M बराबर हो जाएगा M1 और M2, यानी कि M1 बराबर M2 बराबर हम M मान लेंगे। क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब मध्य बिंदु फॉर्मूला, यानी कि मध्य बिंदु सूत्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सी पर यहाँ पर एक्स और वाई क्या होगा, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, ठीक बीचे में होता है, तो दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो आप इसको, हम विभाजन सूत्र से हम जानते हैं, विभाजन सूत्र से एक्स बराबर क्या जानते हैं, M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2। यहाँ जानते हैं मध्य बिंदु मतलब होता है ठीक बीच में, तो कहेंगे M1 हट जाए तुम्हारे बदलाव M X2 प्लस M2, हट जाए तुम्हारे बदलाव M X1 बटे M प्लस M, यानी M कॉमन ले लेंगे, X1 प्लस X2 बट्टा 2M, यानी ये कट गया, इसीलिए X बराबर X1 प्लस X2 बट्टा 2। ये फार्मूला हो जाता है किसका, मध्य बिंदु का सूत्र निकालने का। Y बराबर याद रखना है, इसीलिए Y1 प्लस Y2 बटे 2। इसको क्या बोलेंगे हम, मध्य बिंदु सूत्र। क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु सूत्र। कुछ नहीं है, विभाजन सूत्र याद है, और सीधे बात है, विभाजन सूत्र याद है, तो यानी कि M1 और M2 बराबर होगा, इसीलिए हम यहाँ इसका वैल्यू रख दिए, सॉल्व किए, प्रूफ कर दिए कि X बराबर होता है X1 प्लस X2 बट्टा 2, और Y कोऑर्डिनेट पूछे जाता है Y1 प्लस Y2 बट्टा 2। नोट कर लीजिए, मध्य बिंदु सूत्र समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना, सिर्फ M1 और M2 को बराबर कर दिए, मध्य बिंदु का मतलब होता है ठीक बीच में, तो मिटा दे, मिटा दे। एक चीज समझते हैं, एक्स अक्ष बोले तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो लेना, और वाई अक्ष से बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो लेना। जब एक्स अक्ष बोले तो वाई जीरो, वाई अक्ष बोले तो एक्स जीरो, इसको भी ध्यान रखे, क्योंकि ये भी काम की बात है। चित्र में मध्य बिंदु ज्ञात करें, चित्र में मध्य बिंदु मतलब क्या था, ठीक बीच में, यहाँ पर एक्स और वाई क्या होगा, तो हम एक्स बराबर जानते हैं X1 प्लस X2 बटा 2, X1 कितना है 1, प्लस X2 3 बटा 2, यानी कि 4 बटा 2 कितना है 2। Y बराबर क्या जानते हैं, पुनः Y बराबर क्या होता है, Y1 प्लस Y2 बटा 2, यानी कि 2 प्लस 6 बटा 2, 8 बटा 2 कितना है 4।
कभी भी अलग अलग नहीं लिखिएगा कोऑर्डिनेट, ऑर्डर में लिखिए। अतः अतः सी पर एक्स वाई यानी कि 2,4 आंसर। कोऑर्डिनेट हमेशा जोड़ा में लिखा जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्या करेगा, कभी ये कोऑर्डिनेट दे देगा, यहाँ खाली पूछ देगा, कभी ये दे देगा और ये दे देगा, ये पूछ देगा, कभी ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ देगा, कभी ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ देगा, ठीक है। धन्यवाद मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आशाएं करते हैं कि आप समझे होंगे और आने वाले दिनों में इससे भी बेहतरीन हम आप लोग को स्टडीज कराएंगे, क्योंकि मेरे पास सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, देख ही रहे होंगे अंधेरे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ के प्रॉब्लम है, ठीक है। और धीरे धीरे आप लोग के लिए ऐसे ही 10 मिनट 11 मिनट का वीडियो डेली हम बनाते रहेंगे, तब तक के लिए, ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान ख्याल रखें, प्रणाम। आप सबों को जरूरी वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।